यो व्हाट इज अ क्लैशर्स, अंकुश है शेयर्स। तो गाइस कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे एंड खेल रहे होंगे हमारी क्लैश ऑफ क्लैन बहुत ही अच्छे से। तो क्या नाचो मैं? तो गाइस हमारा फिफ्थ हीरो NTH-15 कंफर्म हो चुका है एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो फिफ्थ हीरो आने वाला है उसकी कौन कौन सी एबिलिटी होने वाली है, कैसा दिखने वाला है, सब कुछ इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसको कंफर्म आउट करेंगे। ठीक है गाइस? तो गाइस देखो, आप वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना, आप कुछ ना कुछ तो जरूर सीख के जाओगे। एंड गाइस अगर अभी तक आपने मेरे अंकुश गेमर क्लैशन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हो तो फटाफट से गाइस जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड घंटी बटन भी दबा देना क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहले से बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगी मैंने एक मंथ पहले एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे TH-15 के बारे में मैंने कंफर्म डेट के बारे में बताया था। तो गाइस अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लीज चेकआउट कर लेना, मैंने आई बटन की उसका लिंक दे भी दिया एंड डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया, जाके चेकआउट कर लो, आपको हमारे टाउन हॉल 15 के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ हीरो के बारे में। तो गाइस आपको एक चीज़ तो पता होगी, जब हमारा किंग आया था वो था टाउन हॉल 7 पे और हमारी क्वीन आई थी टाउन हॉल 9 पे, एंड हमारा जो वार्डन था वो आया था टाउन हॉल 11 पे, एंड रॉयल चैंपियन आई थी हमारी 13 टाउन हॉल पे। तो गाइस हर एक हमारा हीरो 1-1 टाउन हॉल के गैप में आया है, लाइक 7, 9, 11 और 13। तो गाइस इसी पैटर्न से पता लगता है कि हमारी गेम में टाउन हॉल 15 पे हमें अपना न्यू हीरो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करें तो आप देख सकते हो जो भी हमारे टाउन हॉल के नंबर हैं वो ओड हैं, लाइक टाउन हॉल 7, टाउन हॉल 9, टाउन हॉल 11, टाउन हॉल 13। तो टाउन हॉल 15 भी भैया जी हो सकता है हमारा न्यू हीरो जो कि हमारी गेम में एग्जिस्ट करेगा। तो गाइस आपको एक चीज़ और पता होगी, हमारे जो जूडो स्लॉट भाई हैं उनका इंटरव्यू हुआ था हमारे ऑफिशियल मैनेजर क्रिएटर जो कि कम्युनिटी के मैनेजर डायनिन सर, उनके साथ इंटरव्यू हुआ था और वहाँ पे उन्होंने क्लिप में टाउन हॉल 15 के बारे में और अपने फिफ्थ हीरो के बारे में पूछा था। तो गाइस अभी मैं आपको फिफ्थ हीरो के बारे में जो उन्होंने पूछा था हमारे जूडो भाई ने, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया डायनिन सर ने, तो आप फटाफट से गाइस वो वाला क्लिप देख लो। Or changing something else and also another hero. The first one we've been looking at a few different options. I think you'll be surprised that what we've been planning to play testing if it makes it into the game. As far as the second question, I don't know. Like we've been kind of playing around with a few things, but it's still way too early to tell. Yeah, the every other town hall level for a new hero, that's something that the community came up with. That's not a hard rule for us. Yeah, it just kind of happened to fall into that route, didn't it? But I can see where we have to be careful on complexity. And there was actually a question. Somebody was. तो गाइस यहाँ पे हमारे क्लिप में हमारे जो डेरियन सर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टनेस से उनका आंसर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी गेम से कॉम्प्लेक्स ना हो जाए बट हम इसके बारे में सोचेंगे, और उन्होंने कोई मॉडल भी नहीं बनाया कि हम कैसा हीरो लेके आएँ। तो गाइस इसके लिए हमारे जूडो भाई ने भी कहा कि हाँ हमें गेम को मेंटेन भी तो रखना है, बैलेंस भी तो रखना है, इसको कॉम्प्लेक्सिटी भी ना हो जाए। तो गाइस उन्होंने ये बताया कि हाँ कि हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे चार हीरो हैं ना हमारे, तो हम चारों में से जो पाँच हो जाएंगे जब हमारा न्यू हीरो आ जाएगा तो पाँच हो जाएंगे ना, तो हम यूज़ उसको चार ही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भैया ट्रूफ्स भी होते हैं, फ्रीज भी होते हैं, उसके बाद हमारी सीसी होती है, तो भैया बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनने के कारण हम अपनी गेम को अच्छे से खेल नहीं पाएंगे और हमारी जो गेम है वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम हर एक TH पे भैया ऐसा कर पाएंगे, ये ओनली ऑन TH हमारा 15 पे ही हो पाएगा। तो गाइस आपको अभी बता देता हूँ कि जो हमारा फिफ्थ हीरो आने वाला है वो होने वाला है मेल या फीमेल। तो गाइस वो होने वाला है हमारा मेल, क्योंकि गाइस ये पैटर्न के हिसाब से जैसे हमें टाउन हॉल 7 पे हमारा किंग देखने के लिए मिला था, उसके बाद क्वीन, देन वार्डन, फिर रॉयल चैंपियन, अभी भैया जी मेल की ही बारी है, हमारा मेल हीरो आने वाले हैं हमारी गेम में। लाइक आप कोई भी हो सकता है, एक हमारे जो प्रेटेक्स भैया हैं उन्होंने एक फार्मर हीरो के बारे में भी भैया जी बताया था, तो वो वाली वीडियो भी भैया जरूर चेकआउट करना, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा। तो भैया जी बहुत ही ज़्यादा वो भी अच्छा कंसेप्ट था। ऐसे आपको एक चीज़ और बताऊँ कि हमारे जो रॉयल चैंपियन है वो भैया जी कंसेप्ट से ही आई है। ठीक है, वो कंसेप्ट से ही आई है, जैसे कि हमारा रेडिट हो गया और हमारे ट्विटर हो गया, वहाँ पर किसी ने कंसेप्ट बनाया और हमारी गेम वाले ने उसको उठा के गेम में पटका दिया। तो भाई साहब इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी कम्युनिटी का है। कम्युनिटी कौन है? वो हम ही हैं गाइस, हमने ही इन सभी चीज़ों को बनाया है और हम ही अपनी गेम में लेके आते हैं। तो गाइस हम बात कर लेते हैं हमारे हीरो की एबिलिटी के बारे में। तो गाइस अभी आपको पता है जो हमारा किंग है उसके बारे में रेंज हो जाता है, जब उसकी एबिलिटी यूज करते हैं उसमें रेंज होता है, देन उसके बाद जो हमारी क्वीन है वो इनविजिबल हो जाती है उसकी वो करने पर एबिलिटी, वार्डन भैया जी सबको रेंज में लेके भैया हील अप मतलब उसकी हेल्थ कम नहीं होने देता, देन हमारे रॉयल चैंपियन का जो शस्त्र यंत्र है वो भैया जी जाके डिफेंसिस को तोड़ देता है। तो हमारा जो हमारा फिफ्थ हीरो होने वाला है उसकी भैया जी एबिलिटी हो सकती है मे बी टेलीपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे हमको करना हो उसको टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस मे बी ये वाली एबिलिटी उसमें लेके आ सकते हैं हमारे गेम वाले,
क्योंकि इस पे भी ऐसे कंसेप्ट और बहुत ज्यादा बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका भी जो कंसेप्ट है वो गेम वाले नहीं उठाएंगे, आप भी ये कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करते रहा करो। लाइक मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है और मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पे आप कंसेप्ट बना के कि हमारा हीरो ऐसे हो सकता है और इसकी ये एबिलिटीज हो सकती हैं, आप मेरे को सेंड आउट करा करो, क्या पता नेक्स्ट वीडियो आपके कंसेप्ट पे बन जाए। तो गाइस प्लीज ऐसा जरूर करना, क्योंकि आपका जो भी ऐसी कंसेप्ट होगा मैं बिल्कुल ट्विटर पे, रेडिट पे, हर एक जगह पे पोस्ट करूंगा, और अगर उस पे भी ऐसी कम्युनिटी वाले, सुपर सेल वाले देखते हैं और उसको जो कंसेप्ट है उसको पसंद करते हैं, तो एज इट इज हमारी गेम में वो वाला कंसेप्ट भी आ सकता है। तो गाइस अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं और मैं लाता रहता हूँ, आप खुश होते रहते हो। तो मिलते हैं आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड पीस आउट।